फ्रेंड्स वेलकम बैक टू लिखीशा फूड ब्लॉग। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स आज हम राजस्थान और गुजरात की पारंपरिक रेसिपी गंवारफली की ढोकली बनाने चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमने देखिए सबसे पहले गंवारफली को धो के इसको चॉप करके रख दिया है। तो यहाँ हमारी गंवारफली कट चुकी है। दूसरी तरफ ढोकली बनाने के लिए हम बेसन के 2 बड़े चम्मच लेंगे और इसमें हम लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार, हल्दी, धनिया, जीरा और खाने वाली हींग और सोडा, खाने का सोडा, और लास्ट में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल इसलिए डालते हैं ताकि मोयन देने के लिए, तो ये इसका जो डो है थोड़ा सा सॉफ्ट तैयार हो। तो इन सभी को मिला के हम इसको ओसनेंगे और इसमें आप एक काम कर सकते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा आप दही भी डालेंगे तो दही डालने से इसका जो स्वाद है कई गुना बढ़ जाता है। तो थोड़ा दही डाल के आप इसको गोदना शुरू करेंगे और इसका डो तैयार करेंगे। तो जो डो तैयार आप करें तो एक बात का ध्यान रखें, हल्का सा इसको टाइट रखें। तो देखिए हमारा जो डो है वो तैयार हो चुका है और डो तैयार होने के बाद में हम इसको इस तरह से रोल बनाएंगे। तो रोल इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम इसके लोए तैयार करेंगे सबसे पहले। तो रोल बना के हमने इसके लोए यों कट कर लेंगे चाकू से और अब इंडिविजुअल लोए को हम लेंगे और इसका भी एक रोल तैयार करेंगे। जिस तरह आप बेसन गट्टे की सब्जी बनाने में बेसन गट्टे के लिए रोल तैयार करते हो उसी तरह का आप रोल तैयार करें। तो इसका लोए का रोल हम इसलिए तैयार करें क्योंकि हमारी जो ढोकली है वो काफ़ी छोटे शेप में बनेगी। तो देखिए इसके भी हम लोए इस तरह से कट कर लेंगे इन रोल्स के। तो ये छोटे छोटे हमने रोल्स को इस तरह से कट कर लिया है, इसके छोटे छोटे लोए बन चुके हैं। अब हथेलियों से दबा के ढोकली का आप शेप देंगे और एक बात का ध्यान रखेंगे, और ढोकली का शेप देने के बाद में अंगूठे से आप इनके बीच में हॉल करेंगे। तो इस तरह से आप हॉल करेंगे तो हर एक लोए को हथेली में लेके आप इस तरह से छोटी छोटी ढोकलियाँ तैयार कर लेंगे। हमारी ढोकलियाँ यहाँ तैयार हो चुकी है। तो हम एक बड़े से बर्तन में पानी डाल के सबसे पहले इस पानी को बॉईल करेंगे। देखिए हमारा जो पानी है बॉईल हो चुका है। अब इसके अंदर जो चॉप की भी गंवारफली थी वो इसके अंदर डालेंगे। तो गंवारफली डालने के बाद में हम इस बर्तन को ढक्कन ढक के कुछ देर के लिए उबलने को रखेंगे। तो गंवारफली उबलने में थोड़ा सा टाइम लेती है। तो देखिए जैसे ही हाफ उबल जाएंगे तो इसके अंदर आप ढोकलियों को डाल देंगे। तो यहाँ हमने इन ढोकलियों को डाल दिया है और ढोकलियाँ डालने के बाद में आप ढक्कन बंद करके रखेंगे, कुछ देर को उबलने के लिए रखेंगे। तो ये देखिए आप देखेंगे कि जो गंवारफली और ढोकली है वो लगभग उबल चुकी है। तो इस तरह से, और अगर आपको कोई कमी लगे तो आप कुछ देर के लिए और उबाल के रख सकते हैं। तो यहाँ हमारी जो गंवारफली है और ढोकली है वो देखिए दूसरे गैस पे हमने थोड़ी सी कमी थी तो उबालने के लिए फिर रख दिया, और एक तरफ हम दही लेके इसमें मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ हमने दही में मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया डाल के अच्छी तरह से एक पेस्ट तैयार कर लिया है। और सबसे पहले एक देखिए हमने बर्तन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे। तब तो हम इसका छौंक तैयार करेंगे। तो इसमें जीरा डालेंगे, उसके बाद में लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसके अंदर चॉप की भी हरी मिर्च डालेंगे, करी पत्ता डालेंगे जो मीठे नीम के पत्ते होते हैं, और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हमने जो प्याज का जो हल्का सा पेस्ट बनाया था दरदरा सा वो इसके अंदर डालेंगे और इसको जो गैस की फ्लेम है वो आपको बिल्कुल नॉर्मल रखनी है, और उसके बाद में लास्ट के अंदर हम जो टमाटर का पेस्ट है वो इसके अंदर डाल देंगे। और इतना डालने के बाद में जब ये हल्का सा भुन जाए तो इसके अंदर जो हमने दही के साथ में जो पेस्ट बनाया था वो इसके अंदर मिक्स कर देंगे।
और गैस की जो फ्लेम है आपको मीडियम रखनी है, आपको हिलाते हुए जाना है इसको। और कुछ देर के बाद आप देखेंगे ये जो मसाला आपने तैयार किया पेस्ट, इसने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो मसाला है वो पक चुका है। अब इसके अंदर जो बॉईल किए हुए जो गंवार फली और ढोकली थी वो हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। और आप अच्छी तरह से चम्मच हिलाते रहेंगे, गैस की फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर दीजिए, आप ढक के रखेंगे कुछ देर। तो आप देखेंगे जो गंवार फली की ढोकली है वो पकने को बिल्कुल तैयार है। तो देखिए जो गंवार फली की ढोकली है ये लगभग पक चुकी है। और लास्ट में हम इसके अंदर नींबू डालेंगे, तो नींबू स्वाद भी बढ़ा देती है और हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छी रहती है। तो यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि गंवार फली की ढोकली फ़ायदे भी काफ़ी करती है। फाइबर होता है इसमें, पोटेशियम और फॉलेट भी होता है, हार्ट को काफ़ी अच्छा आपको हेल्दी रखती है और ब्लड शुगर लेवल को भी आपको कंट्रोल रखती है। तो आज की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ख़ास रेसिपी के साथ में। तब तक गुड बाय, थैंक यू।